अपने भाषण में कालिदास जी के साथ शमशेर जी को जोड़ रहे हैं, ये सोचने की बात है। अभी शमशेर की गजलों के ऊपर डॉक्टर श्रवण कुमार मीना अपने भाषण देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। इस सत्र के दूसरे अध्यक्ष प्रोफेसर टी मोहन जी, प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, प्रोफेसर दलवी साहब, प्रोफेसर कट्टीमणि साहब, मेरे बड़े भाई प्रोफेसर अब्दुल अलीम साहब, ऋषभ देव जी नज़र नहीं आ रहे, प्रोफेसर हीरा लाल जी, प्रथम अध्यक्ष जो निकल चुके हैं प्रोफेसर सत्यकाम जी, और सभी विद्वान साथियों, सबसे पहले तो मैं दो बातों के लिए बड़े भाई प्रोफेसर तेजस्वी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। दो बातें ये कि एक तो मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में मुझे आने का मौका दिया, और दूसरी इससे बड़ी बात ये कि एमए की शिक्षा के बाद एक बार पुनः शमशेर को पढ़ने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया, जिसके कारण मैंने शमशेर को पढ़ा। मैं उद्घाटन सत्र से अब तक जो शमशेर के हम प्याला रहे, हम सफ़र रहे, हम साथी रहे, उनके वक्तव्य से अब तक के वक्तव्य में मैंने जो सुना उसमें शमशेर को कवि रूप में ही जाना, शमशेर को गज़लकार के रूप में मैंने अभी किसी से नहीं सुना। मेरे कुछ पूर्व वक्ताओं ने उनकी गज़लों का उद्धरण यहाँ दिया, लेकिन उसको कविता कहकर। शमशेर की शमशेरियत पर बात करते हुए नामवर सिंह जी यहाँ अभी हैं नहीं, उन्होंने भी उनको दो रूपों में देखा, या तो वो उनको कवि रूप में देखते हैं या फिर उनको एक चित्रकार के रूप में देखते हैं, एक गज़लकार के रूप में नहीं देखते। मैंने शमशेर को पढ़ते हुए ये जाना कि हिंदी में दुष्यंत के पूर्व यदि कोई गज़लकार हुए हैं, या आधुनिक गज़ल के अगर कोई जन्मदाता हुए हैं, तो वो शमशेर हुए हैं। लेकिन उस रूप में यहाँ अभी तक बात नहीं हुई। मेरे को 15-20 दिन पहले जब भाई तेजस्वी जी ने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा शमशेर की गज़लों पर बात करनी है। यकीन मानिए 3 दिन तक मैं सोचता रहा। अब्दुल भाई ने कहा नहीं, ये लीजिए, वो लीजिए और आप तैयार कीजिए। बड़ी मुश्किल थी, हवाई यात्रा का रोमांच भी था, लेकिन टिकट नहीं करा पाया क्योंकि शमशेर को 3 दिन तक पढ़ ही नहीं सका। जब शमशेर को मैंने पढ़ना शुरू किया और 3 दिन मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मैंने आना तय किया और मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ और मैं तय समय पर पहुँचूँगा। मित्रों, शमशेर को अगर हम गज़ल की आधुनिक परंपरा के पूर्व, गज़ल का प्रारंभ जो लगभग 10वीं सदी में रोदकी के साथ शुरू होता है, और रोदकी की परंपरा को आगे बढ़ाने के क्रम में बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, जिनमें निज़ामी, फैजी और शेख साधी बड़े नाम लिए जा सकते हैं। इसके बाद 16वीं शताब्दी में जब उर्दू गज़ल की शुरुआत शायर वली ने की, तो शायर वली की परंपरा को बढ़ाने वाले मीर, नाजिम और गालिब थे। उसके बाद और भी बहुत सारे नाम होंगे, मैं कुछ खास नामों की बात करूंगा। अमीर खुसरो ने गज़ल परंपरा को एक नई राह दी, एक नई गति दी। अमीर खुसरो की परंपरा को
कई हिंदी कवियों ने भले शोकिया तौर पर हो लेकिन उसको आगे बढ़ाया। और अगर पुराने मतलब आधुनिक कवियों के अगर आप यहाँ नाम लें तो मैंने पढ़ते हुए अध्ययन में ये पाया कि भारतेंदु, कबीर, प्रताप नारायण, रामेश्वर शुक्ल, त्रिलोचन, गिरजा कुमार, यानी खूब सारे नामों को देखें तो इन सब ने गज़लों पर अपनी बात की। लेकिन गज़लों के मायने में दुष्यंत का जितना बड़ा नाम है उतना इन लोग तो वो शमशेर थे। उन्होंने आधुनिक हिंदी गज़ल परंपरा को आगे बढ़ाया। प्रातः से ये बात हो रही है कि वो प्रेम, सौंदर्य और रोमानियत की बात करते हैं। मित्रों, एक कवि के रूप में अगर उनको हम वाद से जोड़ते हैं तो वो प्रयोगवादी ठहरते हैं। लेकिन यह दो मत, दो राय हमेशा यहाँ व्यक्त होती है और लगभग सभी मंचों पर व्यक्त होती हैं। कोई प्रगतिवाद की बात करता, कोई प्रयोगवाद की बात करता, कोई जनवाद की बात करता। लेकिन क्योंकि हर कवि पर किसी न किसी वाद का एक लेबल होता है, एक थप्पा होता है, उस रूप में यदि हम देखें तो नागार्जुन, शमशेर, त्रिलोचन, अज्ञेय, मुक्तिबोध ये लगभग एक ही परंपरा के कवि हैं। और उस परंपरा में कहीं न कहीं हमारा सामान्य, हमारा जनसाधारण है, हमारा मजदूर है, हमारा किसान है, हमारा भारत देश है, हमारा धर्म है, हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, यानी वो पूरी की पूरी उस परंपरा में। अब उसमें आप चाहे गंगा जमुनी की बात करें, चाहे हिंदू और मुस्लिम की बात करें, उसमें कहीं कहीं राष्ट्र प्रेम है, उसमें कहीं कहीं धर्म के प्रति प्रेम है, उसमें प्रेम है, लेकिन प्रेम के भी विविध रूप हैं। प्रेम केवल रोमानियत का नहीं, प्रेम को आप दूसरी दृष्टि से भी देखें कि राष्ट्र के प्रति उनका कितना प्रेम है, धर्म के अलगाववाद को लेकर के वो कितने चिंतित हैं, हमारे मजदूर और किसानों को लेकर के वो कितने चिंतित हैं, इसकी बात भी वो करते हैं। शमशेर एक पहले कवि माने जा सकते हैं, पहले व्यक्ति माने जा सकते हैं जिन्होंने हिंदी पाठकों को गज़ल से परिचित कराया। उनकी गज़लों में जहाँ नाजुक ख्याली है वहीं मर्म को छूने वाली क्षमता भी है। वो मनुष्य के मर्म को भी छूते हैं। जहाँ भाषा की लोच है वहाँ बहरों का निर्वाह भी है। उनकी गज़ल केवल गज़ल नहीं, उनकी गज़लों में गज़लियत है। जैसे नामवर सिंह जी कहते हैं कि उनमें शमशेरियत है, वैसे उनकी गज़लों में गज़लियत है। शमशेर को पढ़ने वालों में, जिनका जिक्र सुबह कट्टी मनी साहब ने किया, जिनको अन्य लोगों ने पढ़ा, उनमें मेरा ऐसा मानना है कि नामवर सिंह जी, मलयस और रंजना अरगड़े, इनने उसको ज़्यादा समझा, उसके लेखन को ज़्यादा समझा और उन्होंने जो बात कही वो बहुत प्रामाणिक सिख लगती है। शमशेर की गज़लों में रदीफ़ और काफिये का भी निर्वाह हुआ है। उर्दू भाषा तो उनकी है, ये भाषा पे तो बड़ी बात दिलीप सिंह जी ने की, और दिलीप सिंह जी को सुनने के बाद भाषा पर बात करना गुस्ताखी होगी। मित्रों, शमशेर में जो प्रेम है वो देश प्रेम, ईश्वर प्रेम और अध्यात्म है। जो सामाजिक चेतना है उसमें मजदूरों की हिमायत है और गरीबों की चिंता है, और मैं मानता हूँ यही उनकी गज़लों का मुख्य स्वर भी है। शमशेर ने अपनी गज़लों में मीर और गालिब से आगे इंसानी रिश्तों की बात की है। एक जगह उनकी गज़लों पर ये कहा है और उसका एक संदर्भ भी मैंने लिया है, नरेंद्र वशिष्ठ की लेख है शमशेर की कविता से। उन्होंने कहा है कि शमशेर की गज़लों में इंसानी रिश्तों का मीर और गालिब के आगे सामाजिक परिवेशगत क्रिस्टलाइजेशन है। उनकी गज़लों की बड़ी खूबी यह है कि उनमें गज़लियत है, भाषिक सौंदर्य है और उसके कारण एक बहता प्रवाह है। मित्रों, उनकी गज़ल के मार्फत उनको जो बात कहनी होती है उनमें बेहिंता दर्द झलकता है और ये दर्द अमूमन हाय हाय के रूप में अभिव्यक्त होता है। वो अपने पाठकों का ध्यान, अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। जो गज़ल के पारखी हैं
वो शमशेर की गजलों में मीन मेक नहीं निकाल पाएंगे। ढांचागत कमियां भले उनमें हो लेकिन भावगत कमियां उनमें नहीं हैं। उनकी बात का जो पैमाना है, उनके विषय की जो विविधता है, उनकी गजलों में जो विषय विविधता है, उसमें एक जगह वो बात करते हैं, मैं उनकी गजलों से कुछ उदाहरण लेते हुए, एक गजल उनकी है जिसमें विषय की विविधता स्पष्ट होती है। ख्याल भी है मेरा जिस गो नहीं वो मैं, ये जिंदगी की है एक किस्म गो नहीं वो मैं, जो होने होने को है वो मैं हूँ यकीन करो, खुदा भी है मेरा ही इस्म गो नहीं वह मैं। वो विविध विविध लेते हैं, प्रेम और सौंदर्य का जो मिजाज है उसको इस रूप में देखें। एक जगह वो कहते हैं, हजार हम उसे चाहें कि अब न चाहें और, हजार हम उसे चाहें कि अब न चाहें और, जो सांस सांस में रम जाए वो तो क्यों कर हो। आगे वो कहते हैं कि जमाना तुम हो, जहां तुम हो जिंदगी तुम हो, जो अपनी बात पर कायम रहो तो क्यों कर हो। ये उनके प्रेम को गति देते हैं, उनके प्रेम और उनकी रोमानियत को का से हमारा परिचय कराते हैं। एक जगह महबूबा की मस्तानी अदा का चित्रण करते हुए शमशेर कहते हैं, ये शोक चाल तेरी काफी राना मस्ताना, किसी का खाबो ख्याले सबाना मस्ताना, जो खुद ही बहका हुआ हो उस पे क्यों डालें भला कोई निगाहें आशिकाना मस्ताना। शमशेर की दृष्टि में प्रेम एक मधुर उष्मा के समान है जो हृदय को उष्ण एवं आप्लावित रखता है, और वो ऐसा प्रेम और ऐसी उष्णता जो अद्वितीय तृप्ति दाता है, असीमित दर्द देने वाला असीमित आनंद भी देता है। यानी उनके मायने में प्रेम एक ऐसा दर्द है जो असीमित दर्द भी देता है तो असीमित आनंद भी देता है। शमशेर अपने शब्दों में कहते हैं, इश्क की इंतहा तो होती है, दर्द की इंतहा नहीं होती। इश्क की इंतहा तो होती है, दर्द की इंतहा नहीं होती। मित्रों, उनकी गजलों में प्रेमी का आशी की मिजाज, प्रेमी की प्रेमिका की कठोरता, तीव्र विरह आदि का प्रयोग फारसी उर्दू गजल परंपरा का निर्वहन लगता है। उन्होंने प्रेम और सौंदर्य पर केंद्रित जितनी भी गजलें लिखी वो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में लिखी। एक जगह पढ़ते हुए मैंने ये भी पाया कि हर व्यक्ति, सुबह एक कोई कवि के बारे में टिप्पणी हो रही थी, हर रचनाकार खास तौर से जो काव्य में बात करता है या जो गजलों में बात करता है, वो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर यानी उत्तरार्ध पक्ष में और अधिक रोमानी हो जाता है। शमशेर में भी वो रोमानियत उनके आखिरी पड़ाव में मिलती, ज्यादा मिलती है। उन्होंने आखिरी पड़ाव में कहा, वही उम्र का एक पल कोई लाए, वही उम्र का एक पल कोई लाए, तड़पती हुई सी गजल कोई लाए। आगे शमशेर के बारे में एक आलोचक लिखते हैं कि शमशेर अवस्था के उत्तरार्ध में और अधिक रसिक दिखाई पड़ते हैं। उनके साथ जो हम प्याला रहे वो ज्यादा जानते होंगे। उनकी कविताओं के केंद्रीय विषय मोहभंग, मैं कविता की बात कर रहा हूँ, उनकी कविताओं के केंद्रीय विषय मोहभंग, नैराश्य, पीड़ा, वेदना आदि आम आदमी की जो चिंता है, उनकी कविताओं में जितनी प्रभावी है उनकी गजलों में ये चीज़ें उतनी प्रभावी नहीं हैं। वैसे शमशेर प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं, लेकिन गजलों में भले रोमानियत हो लेकिन दूसरी चीज़ों पर भी, दूसरे बिंदुओं पर भी उनकी अपनी चिंता है। उन्होंने मानवीय संवेदना के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक आदि दूसरी समस्याओं पर भी बात की, आम आदमी की आशा और निराशा पर भी बात की, जीवन संघर्ष, महानगरीय अजनबीपन आदि की इस विसंगतियों पर भी वो बात करते हैं। जीवन को, जीवन के यथार्थ को कल्पना से परे मानते हैं और कल्पना के धरातल पर लाने की बात भी वो करते हैं।
एक गजल में वो कहते हैं, हकीकत को लाए तखेयुल, तखेयुल यानी कल्पना, हकीकत को लाए तखेयुल से बाहर, मेरी मुश्किलों का जो हल कोई लाए। गजलकार आह्वान करता है कि आदमी की समस्याओं का समाधान तलाश करना चाहिए। उनके मायने में संसार एक काफिला है और हम सब उस काफिले में, उस भीड़ तंत्र में शामिल हैं और उस भीड़ तंत्र के सफर में हैं। घर में सफर हैं आप तो हम भी हैं भीड़ में कहीं, घर में सफर में हैं आप तो हम भी हैं भीड़ में कहीं, अपना भी काफिला है कुछ, आप ही का काफिला नहीं। आधुनिक हिंदी गजलों में उत्तर आधुनिक सामाजिक परिवेश की जो झलक दिखाई पड़ती है, उससे शमशेर की गजलें अछूती नहीं है। शमशेर में, उसकी बात दिलीप सिंह जी कर चुके हैं, दादा की गोद में पोता बैठा, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। आगे मैं बदलते हुए संबंधों के पैमाने की बात करता हूं, जहां देश उजाड़ हो गए हैं और दिल की नगरी में अभी भी कुछ बचा है, ऐसी बात शमशेर करते हैं। उलट गए सारे पैमाने, उलट गए सारे पैमाने, कासागरी क्यों बाकी है, देश के देश उजाड़ हुए, दिल की नगरी क्यों बाकी है। शमशेर आगे कहते हैं कि देश भले उजाड़ हुए हों, लोगों में राष्ट्र प्रेम का भाव अभी बचा है। लोगों के पैमाने भले बदले जरूर हों, सियासती तूफानों में हिंसा की इंसानियत अभी भी बची है। बकौल शमशेर, कैसा सियासत का तूफान कि आग की लपेटों में इंसान, कैसा सियासत का तूफान कि आग की लपेटों में इंसान, अपनों की ही बेदागदारी क्यों बाकी है, अपनों की ही बेदागदारी क्यों बाकी है। सियासती दंगल में कोई सुखी हो, संपन्न हो गया, कोई राजभवन तक पहुंच गया, तो कोई लुट पिट गया। ये सियासती दंगल जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, इसमें कोई बहुत पीछे रह गया तो कोई बहुत आगे चला गया। गजलकार को इस लीलामय युग में कहीं राम नजर नहीं आते, चारों ओर रावण ही रावण खड़े दिखाई देते हैं, जो मानवीय भावों, संवेदनाओं और अर्थव्यवस्था पर, हमारी अर्थसत्ता पर नजर गड़ाए खड़े हैं। सियासती दाव पेचों, राजनीति में फंसे नेताओं के चरित्र पर कटाक्ष करते हुए शमशेर कहते हैं, किस लीला युग में आ पहुंचे अपनी सदी के अंत में हम, किस लीला युग में आ पहुंचे अपनी सदी के अंत में हम, नेता जैसे घास फूस के रावण खड़े कराए गए, रहा तो एक ही थी हम दोनों की, आप किधर से आए गए, हम तो लुट गए पिट गए, आप जो राजभवन में पाए गए। इतना ही नहीं, शमशेर आह्वान करते हैं कि कोई तो हो जो जमाने में बदलाव लाए। यहां हिंसा तड़पता है, परेशान है, लेकिन कोई उसके दर्द को दूर करने वाला नहीं है। कहीं सर्द खूह में तड़पती है बिजली, कहीं सर्द खूह में तड़पती है बिजली, जमाने का रद्दो बदल तो कोई लाए। आगे चलकर गजलकार शमशेर कहते हैं, नजर तेरी दस्तूरे फिरदोस लाई, मेरी जिंदगी में अमल कोई लाए। नजर तेरी दस्तूरे फिरदोस लाई, मेरी जिंदगी में अमल कोई लाए। इसी बदलाव, इसी दृष्टि और इसी जिंदगी को लेकर के शमशेर आह्वान करते हैं, वो बदलाव की बात करते हैं, लेकिन उनकी पुकार कोई सुनता नहीं। धर्म के पाखंडी लाउड स्पीकर पर अवश्य चिल्ला चिल्ला कर शोर मचाते हैं, और ऐसे पाखंडी सियासती और तथाकथित धार्मिक आका जितने जोर से चिल्लाए, ईश्वर उतना ही दूर हुआ, उतने ही दंगे फैले। वही धर्म के पाखंडी ईश्वर को चुरा कर अमेरिका में ग्राहक तलाशने लगे, अपने काले धन को दान दक्षिणा के बहाने सफ़ेद करने लगे। कवि शमशेर इसी बात को अपनी गजलों में इस प्रकार कहते हैं, जितना ही लाउड स्पीकर चीखा उतना ही ईश्वर दूर हुआ, उतने ही दंगे फैले जितने दीन धर्म फैलाए गए। मूर्ति चोर मंदिर में बैठा ओ गाहक अमेरिका में, दान दक्षिणा लाखों डॉलर गुप्त दान करवाए गए। ये शमशेर के शब्दों में। एक दूसरी गजल में धर्म के पाखंड पर टिप्पणी करते हुए गजलकार कहते हैं, धर्म तिजारत पेशा था जो वही हमें ले डूबा है, बीच भंवर के सौदे में यह एक खंजरी क्यों बाकी है। दिलीप सिंह जी इसकी बात कर चुके हैं भाषा के मायने में। कवि शमशेर की आवाज़ एक कवि के रूप में जितनी बुलंद है,
उतनी ही गजलकार के रूप में भी गूंजती है। बकौल मलयज, मलयज कहते हैं सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज गूंजती रहती है जो बाहर से भी साफ सुनी जा सकती है, इसलिए नहीं कि वह ऊंची है, इसलिए गूंजती है मध्यम होने के बावजूद, क्योंकि वो गूंजती है, इसलिए गूंजती है मध्यम होने के बावजूद क्योंकि वह गूंजती है। शमशेर मानव मात्र के लिए शांति, एकता और प्रेम की कामना करते हैं। धर्म के नाम पर फैलाई जा रही कट्टरता और आडंबर को अपनी गजल का विषय बनाते हैं और एक जगह वो कहते हैं, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत दीनो ईमा मुल्को दौलत, ईमो इल्मो हिकमत दीनो ईमा मुल्को दौलत, हुस्नो इश्क आपको बाजार में जो कहिए ला देता हूं। पहली पंक्ति है, इल्मो हिकमत दीनो इल्मा मुल्को दौलत हुस्नो इश्क। दूसरी पंक्ति, आपको बाजार में जो कहिए ला देता हूं। सारी चीजों को वो बाजार की वस्तु मानने लगे हैं। वैसे भी बाजार में क्या नहीं बिकता, आज के बाजार में सब कुछ तो बिकता है, सब कुछ बिकता है, जहां मानव देह बिकती है वहां सब कुछ बिकता है। उनका मानना है कि आज बाजार में सब कुछ विकल्प है, जहां से जो चाहिए वो खरीद कर लाया जा सकता है। उत्तर आधुनिक युग की विश्व बाजार व्यवस्था पर प्रयोगशील कवि आज से 60-70 साल पहले इस तरह सोचने लगा था, वर्तमान बाजार व्यवस्था ने मानवीय संवेदनाओं को झकझोरा है, जो लोगों का ईमान क्रय की जिसने लोगों का ईमान क्रय किया है और चारों ओर क्रेता और विक्रेताओं की भीड़ जमा की है। मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया है, अब उसकी जिंदगी की दास्तां खत्म हो चुकी है। बकौल शमशेर, यानी शमशेर के शब्दों में, हो चुकी अब खत्म अपनी जिंदगी की दास्तां, हो चुकी खत्म अपनी अब अपनी जिंदगी की दास्तां। शमशेर आधुनिक हिंदी गजलकारों में दुष्यंत के पूर्व ऐसे गजलकार हैं जो फारसी उर्दू गजल के केंद्रीय विषय प्रेम की व्यापकता, गहनता और सूक्ष्मता की अभिव्यक्ति के साथ समसामयिक युगबोध, आधुनिक समाज, धर्म, राजनीति और मानवीय संबंधों को भी गजलों का केंद्रीय विषय मानते हैं। उनकी गजलों पर उनका कवि रूप हावी है, भाषा की बात आप कर चुके हैं, एक जगह उनके बारे में कुछ कहा मलयज ने, वो बात मैं करता हूँ। वे मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी होते हुए भी आत्मपरक है तथा संवेदनशील है। मलयज कहते हैं शमशेर मूड्स के कवि हैं, मूड्स मूड किसी विजन के नहीं। ये अवश्य है कि उनका मूड उस व्यक्ति का मूड है जो हमारे आपके समाज में उसकी संपूर्ण विसंगतियों, विडंबनाओं यानी यथार्थ के बीच रहता है। उनका यथार्थ बोध एक परिष्कृत यथार्थ बोध है जो उनकी मनोरचनाओं के आंतरिक ताप से परिशुद्ध किया हुआ यथार्थ बोध है। वस्तुतः आधुनिक हिंदी गजलकारों में शमशेर का महत्वपूर्ण स्थान है। ये बात दीगर है कि उनका कवि रूप उनके गजलकार होने पर अवश्य हावी है, फिर भी उनकी गजलों का वर्ण विषय उनकी कविताओं के समकक्ष ही ठहरता है। अंततः शमशेर हिंदी के ऐसे गजलकार और कवि हैं जो गमे जाना और गमे दारा को एक साथ साध रहे थे। इसी को बाद में दुष्यंत ने अधिक प्रखरता और वाचालता तथा गजल के चुटिलेपन के साथ साधा। वे शमशेर की गजलों के सौंदर्य को समकालीन हिंदी कविता के सरोकार जन्य वे व्यवस्था के जहन्नुम से जोड़ देते हैं। अंततः शमशेर के शब्दों में, अपने दिल का हाल यारों, अपने दिल का हाल यारों, हम किसी से क्या कहें, कोई भी लगता नहीं ऐसा, कोई भी लगता नहीं ऐसा जिसे हम अपना कहें, अपने दिल का हाल यारों, हम किसी से क्या कहें। धन्यवाद, एक बार पुनः आयोजकों का आभार।